मध्य प्रदेश में भाजपा चौथी बार भाजपा सरकार बनने को एक वर्ष पूर्ण होने पर इंदौर के बीजेपी कार्यालय स्थित सोमवार दोपहर को कई विधायकों व अन्य पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता के माध्यम से भाजपा सरकार की उपलब्धियां बताई। पत्रकार वार्ता में जहां सबसे पहले भाजपा प्रदेश महामंत्री कविता पाटीदार ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, कोरोना के समय में किस तरह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की बागडोर संभाली व विभिन्न तरह के विकास कार्य व जनहित योजनाओं का ब्यौरा बताया। कांग्रेस के 15 माह बनाम भाजपा सरकार के 12 माह विकास ने पकड़ी रफ्तार, ये है मध्य प्रदेश सरकार के स्लोगन के साथ भाजपा सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित पत्रकार वार्ता में विधायक महेंद्र हाडिया, आकाश विजयवर्गीय, मालिनी गौड़, कविता पाटीदार, इंदौर जिला अध्यक्ष डॉ. राजेश सोनकर, मधु वर्मा मौजूद रहे। इस दौरान जिलाध्यक्ष डॉ. राजेश सोनकर ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधा और उन्हें कपटनाथ कहा। इस दौरान विधायकों ने भी अपने विधानसभा क्षेत्र में किए विकास कार्यों की जानकारी दी। 23 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश में एक बार फिर माननीय शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी और मैं समझता हूँ कि इस एक वर्ष में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जिस तेजी से मध्य प्रदेश का विकास हुआ है, नगरोदय के साथ साथ ग्रामोदय में भी उतने ही तेजी से विकास कार्य माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हुआ। हम प्रधानमंत्री आवास की बात करें, हम गरीब वेंडरों के 10,000 रुपये सहायता करने की बात करें, हम बिजली की बात करें, सड़क की बात करें या पानी की बात करें, कोई भी क्षेत्र ऐसा अछूता क्षेत्र नहीं है जिसका लाभ सीधा सीधा मध्य प्रदेश के किसानों को उन्नति और विकास के लिए नहीं मिल रहा हो। हम अगर इंदौर जिले की भी बात करें, इंदौर जिले में 2,400 करोड़ रुपये की लागत से सिंचाई उद्वहन परियोजना का लाभ जो इंदौर जिले की लगभग सांवेर विधानसभा, देपालपुर और महू विधानसभा क्षेत्र के लोगों को मिल रहा है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण और महती योजना थी जिसका बहुत लंबे समय से इंदौर जिले के लोग इंतजार कर रहे थे। मात्र एक वर्ष के छोटे से कार्यकाल में इतनी बड़ी योजना को प्रारंभ कर देना, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही उल्लेखनीय, बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। उसके अलावा जिस प्रकार से बिजली के क्षेत्र में भी एक वर्ष में जो प्रयास माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार ने किया है, हम ओंकारेश्वर परियोजना जो विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है जिसका सर्वे चालू हो गया है, इसका बहुत लंबे समय से मध्य प्रदेश की जनता इंतजार कर रही थी। इसी प्रकार से और ऐसे बहुत छोटे छोटे जो योजना है जो बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही थी, उसका भी काम आदरणीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में तेजी से चालू हुआ है। तो मैं समझता हूँ एक जो आशा और एक उम्मीद जो मध्य प्रदेश की जनता को और किसानों की जो टूट सी गई थी पिछले 15 महीने में, उस आशा को फिर से जगाने का जो काम शिवराज सिंह जी की सरकार में हुआ है, कमलनाथ जी ने 15 महीने की सरकार में स्पष्ट ऐसा जो वो कहते थे कि मैं चाहे ओला हो या पाला हो, किसी भी प्रकार की त्रासदी हो, किसी भी प्रकार की आपदा हो, कभी भी वो वल्लभ भवन से बाहर निकलकर किसानों के बीच में उनके सुख दुख में जाने पर विश्वास नहीं करते थे। इवन मैं कहता हूँ कि स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा था कि मैं वल्लभ भवन से बैठकर सरकार चलाऊंगा। अब जो मुख्यमंत्री वल्लभ भवन में बैठकर सरकार चलाने की बात करते हैं, मैं समझता हूँ कि किसान और प्रदेश के मजदूरों के दुख और दर्द से उनका कभी कोई नाता या कोई रिश्ता नहीं रहा। शिवराज सिंह जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने प्रदेश की जनता से एक परिवार का संबंध स्थापित किया था। उनकी हर योजनाओं में कहीं ना कहीं हम देखते हैं तो एक दर्द ऐसा छलकता है जो एक गरीब परिवार, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे महिला हो, उनसे नाता कायम करने वाला काम करता है। तो मैं समझता हूँ कि एक वर्ष मध्य प्रदेश की जनता के लिए उपलब्धियों वाला है, खुशियों वाला है। हर वो मुरझाए हुए चेहरे एक बार फिर हमको खिलते हुए दिख रहे हैं, एक बार फिर आशा और उम्मीदें मध्य प्रदेश की जनता के चेहरे पर हम दिख रहे हैं। कांग्रेस तो अनेक आरोप लगा रही है, लोकतंत्र बचाओ हर चीज में कीमत बढ़ी है, खाने तेल जो 70 रुपये लीटर था 140 रुपये लीटर, इसमें बजट में मीठा तो आपने करा लेकिन साथ साथ महंगाई का भी। देखिए मैं इतना कहना चाहूँगी कि विकास के साथ साथ हम महंगाई को भी कंट्रोल करेंगे और मध्य प्रदेश को स्वर्णिम प्रदेश बनाने में पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाए हैं, मेरा आप सबसे निवेदन है कि हम मास्क लगाएं। कल 11 बजे और शाम को 7 बजे आप सब भी मास्क लगाकर हमारी सुरक्षा, हमारा मास्क जैसा संदेश देश की जनता को दें और जन जागरण का अभियान पूर्ण करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मैं इतना कहना चाहूँगी कि विकास के साथ साथ हम महंगाई को भी कंट्रोल करेंगे और मध्य प्रदेश को स्वर्णिम प्रदेश बनाने में पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाए हैं,
है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि हम मास्क लगाएं, कल 11 बजे और शाम को 7 बजे आप सब भी मास्क लगाकर हमारी सुरक्षा, हमारा मास्क जैसा संदेश देश की जनता को दें और जन जागरण का अभियान पूर्ववत करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।